हेलो फ्रेंड्स, जस्ट कंफर्म व्हेन वी आर लाइव। कंफर्म कीजिए जब हम लाइव आएंगे। जस्ट वेटिंग फॉर अस टू बी लाइव। देखते हैं क्या हम लाइव आ गए हैं। आर वी लाइव नाउ? यस, आई थिंक वी आर लाइव नाउ। वी आर लाइव नाउ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप गाइस यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो दोस्तों, आपका इस सेशन में तहे दिल से स्वागत है। दिस इज आवर फास्ट ट्रैक बैच फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। सो आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? फटाफट टेल मी इन द चैट विंडो। और देखने दो मुझे कौन कौन ज्वाइन हुआ है। हु ऑल हैव ज्वाइंट, जस्ट लेट मी नो। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सांगिक, गुड इवनिंग RF20RN17। वॉट इज योर नेम? आई डोंट नो, बट मैं आपका तहे दिल से सबका स्वागत करता हूँ MEPL क्लासेस में। तो दोस्तों, इस सेशंस में, इस फास्ट ट्रैक बैच में डायरेक्ट टैक्सेस के हर एक टॉपिक डिटेल में कवर होगा। राइट, यू विल बी गिवन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। यू विल बी एबल टू सॉल्व योर पेपर वंडरफुली वेल, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो इफ यू आर न्यू गाइज टू दिस चैनल, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या नोटिफिकेशन मिस ना हो। यस, गुड इवनिंग यशस जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दिव्या विजय जी। तो फ्रेंड्स, ज्ञानेश्वर जी, गुड इवनिंग, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप पहले जो सेशन है वो यूट्यूब पे देखना, ओके, देन उसके बाद यू कैन गो अहेड एंड शिफ्ट टू द ऐप। ओके, पहले तीन सेशंस यूट्यूब पे होने वाले हैं, देन वी विल शिफ्ट टू द ऐप। सो आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट विथ टूडे सेशन? यस सर, लेट अस स्टार्ट गाइज विथ टूडे सेशन। चलो, और कौन कौन लाइव है देखने दो मुझे। जस्ट आई वॉन्ट टू गिव अ शाउट आउट, सो प्लीज लेट मी नो। गुड इवनिंग उदय जी। चलो लेट स्टार्ट गाइज, लेट अस स्टार्ट। सो मुझे आपके साथ कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं? आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू ईच एंड एवरी ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डेप्थ, ओके, फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। सो वन, आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू टैक्सेशन ऑफ कंपनीज, असेसमेंट ऑफ फर्म्स, देन फ्रेंड्स टैक्स प्लानिंग, मैनेजमेंट अवॉइडेंस इवेशन, एंड देन ऑफकोर्स यूअर ट्रांसफर प्राइसिंग इन डेप्थ, देन GAAR एंड यूनिलैटरल बायोलैटरल रिलीफ। इतने टॉपिक तो कम से कम आपके साथ डिस्कस करने डेप्थ में, ताकि आपका मैक्सिमम स्कोरिंग हो डायरेक्ट टैक्सेस में। बट वो सब बेसिक, वो सब टॉपिक्स के लिए कुछ बेसिक पता होना चाहिए। सो गाइज, दैट वी आर गोइंग टू डू टूडे, दैट बेसिक्स। ओके, उस बेसिक्स में फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ PGBP भी इंक्लूडेड है। ओके, तो क्योंकि फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ PGBP क्यों लगता है? वी नीड इट इन टैक्सेशन ऑफ कंपनीज, वी नीड इट इन असेसमेंट ऑफ फर्म्स। तो श्योरली वी कैन नॉट गो अहेड इफ यू यू नो we cannot go ahead if we don't know the format for computation of PGBP. So, आज वो format करेंगे। Yes, Devesh and Sangik. Yes, notes upload हो जाएंगे app में in coming 1 to 2 days. Okay, चलो अब start करते। So, I hope all of you know who is person. All of you know who is person. So, person means, you know, person means individual, HUF, company, AOP, BOI. Okay, that everyone is a person. Person who is liable to pay tax is called as assessee. So assessee means a person who is liable to pay tax. Okay, and PY, PY matlab hota hai previous year, means that financial year in which income is earned.
जिस फिनेंशियल ईयर में इनकम अर्न किया जाता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, इजंट इट? सो हमारे सब जो कैलकुलेशंस है दे विल बी फॉर पीवाई 23-24। हमारे हर एक कैलकुलेशन फटाफट बोलो चैट विंडो में विल बी फॉर विच पीवाई, इट विल बी फॉर पीवाई 23-24। तो अपने एग्जाम में एप्लीकेबल एवाई इज 24-25। डू यू नो दिस दैट फॉर आवर एग्जाम्स एप्लीकेबल एवाई इज 24-25? Agreed, all of you? Yes, no? फटाफट सब बोलेंगे चैट विंडो में, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शैल वी गो अहेड? यस सर। देन यू नो बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ, ओके? तो इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, फिनेंस एक्ट मेनली, ये सब हो जाती है बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ, ओके? अब कितने हेड्स ऑफ इनकम है, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर? फटाफट बोलो मुझे ताकि वी ऑल आर ऑन सेम पेज। यस पूजा जी, विशाल, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम? देयर आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफएस, ओके? व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड ऑल फाइव हेड्स ऑफ इनकम? व्हेन यू ऐड ऑल फाइव हेड्स ऑफ इनकम यू गेट ग्रॉस टोटल इनकम। सो आर वी ऑल ऑन सेम पेज? डू यू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स द वे आई वॉन्ट टू टेल यू? बस यही मुझे आप आज को पूछना है आपको। यस, सो ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A के डिडक्शंस लेते हो 80C to 80U। व्हेन यू टेक चैप्टर 6A डिडक्शंस फ्रॉम 80C to 80U यू गेट टोटल इनकम, एंड टोटल इनकम पे कैलकुलेट होती है टैक्स लायबिलिटी। सो व्हेन आई से टोटल इनकम आई वुड बी मीनिंग टू से टैक्सेबल इनकम, ओके? और सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैप गेन, आईएफओएस, इन सब का एग्रीगेट होता है ग्रॉस टोटल इनकम। और जब हर्षिता जी, जब मैं उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम करता हूँ और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस करता हूँ तो मुझे मिलता है जीटीआई। जीटीआई में से चैप्टर 6A के डिडक्शंस लेने के बाद मिलता है टोटल इनकम, टोटल इनकम पे निकलती है टैक्स लायबिलिटी। एग्रीड? अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं, if I talk about individuals, then guys, you know there are two ways of calculating tax liability, two regimes. कौन से two regimes? 115BAC का regime and yes and old regime. तो अब 115BAC का जो regime है new, वो हो गया है default. So all of you will write in chat window 115BAC is equal to default. तो 115BAC का रेजिम हो गया डिफॉल्ट, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। एंड जो ओल्ड रेजिम है वो हो गया ऑप्शनल, ओके? यस, तो वो करेंगे डिस्कस, बट माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू इज जो थर्ड हेड है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, वो कैलकुलेट करने का फॉर्मेट आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू। सर वाई आर वी डिस्कसिंग दिस फॉर्मेट? क्योंकि देखो ये एक फास्ट ट्रैक बैच है, तो इसमें हर एक पॉइंट जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो डीप में कवर करना है। डू यू एग्री विथ मी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो डीप में कवर करना है? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू थिंग्स मैटर, टैक्सेशन ऑफ कंपनीज एंड असेसमेंट ऑफ फर्म्स। क्योंकि आपके पहले वाले लेवल में, आपके इंटर वाले लेवल में आपने कर लिया है ऑलरेडी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके? तो इस लेवल पे असेसमेंट ऑफ कंपनीज और असेसमेंट ऑफ फर्म्स इंपॉर्टेंट होता है, राइट? एंड कंपनी का मेन इनकम क्या होगा? व्हाट वुड बी मेन इनकम ऑफ द कंपनी? तो ऑब्वियसली कंपनी कैन नॉट हैव सैलरी, company is being formed for profit motive, so PGBP will be the business it will be carrying out,
सो पीजीबीपी विल बी द मेन इनकम फॉर कंपनी एज वेल एज फर्म. डू यू ऑल एग्री विथ मी गाइज? यस और नो? डू यू एग्री विथ मी? इसलिए हमें पीजीबीपी के प्रोविजंस पहले देखने होंगे, देन वी विल बी एबल टू गो अहेड एंड डू कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर कंपनी एज वेल एज फर्म. सो यहां से पीजीबीपी के बाद वी विल गो टू असेसमेंट ऑफ फर्म, रादर कंपनी, कंपनी के बाद असेसमेंट ऑफ फर्म्स. डिड यू गेट माय पॉइंट गाइस? यस. पूजा जी सेइंग यस. व्हाट अबाउट अदर्स? So can I go ahead and discuss with you format for calculation of PGBP? अब देखो दोस्तों, what I want to tell you, profit and loss account या statement of profit and loss बनता है, okay? उसमें यहां पे आएंगे सब incomes and यहां पे आएंगे सब expenses. Yes, ज्ञानेश्वर जी, यहां पे आएंगे सब एक्सपेंसेस और यहां पे आएगा 2NP. अब ये जो NP है ये एक्सेप्टेबल नहीं है एज पीजीबीपी. दिस NP मे नॉट बी इक्वल टू पीजीबीपी. व्हाई इट मे नॉट बी इक्वल टू पीजीबीपी? ये NP पीजीबीपी डायरेक्टली होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपने कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस डेबिट किए तो क्या होगा? If you have debited unnecessary expenses, what would have happened? Unnecessarily NP would have gone down. Yes or no? थोड़ा आप मुझे, आप सबके basics एकदम पक्का चाहिए. Okay, that's why I am going into depth of this. Because PGBP बोलते ही बहुत students, you know, बहुत students को problem होता है as soon as we refer to PGBP. Getting it? So I want your basics to be absolutely clear. Hence I am going in depth of PGBP. So you will tell me all of you, ki if unnecessary expense I debit, NP will go down unnecessarily. And if unnecessary items I credit, agar unnecessary item maine credit kiye, to NP will unnecessarily go up. So do you agree कि I will have to adjust the NP to get PGBP? मुझे NP को adjust करना पड़ेगा to get PGBP. So in NP I will have to add the items which are unnecessarily debited and जिसके वजह से NP नीचे गया है, and जो unnecessary credit हुआ है जिसके वजह से NP unnecessarily ऊपर गया है, do you agree I will have to minus that? And then only I will get taxable business profits. If you agree with me, please put PGBP in the chat window, ताकि मुझे समझ में आए that we all are on same page. Yes or no? क्योंकि अभी flight उड़ान लेने वाला है, तो उड़ान लेने से पहले क्या आपने कुर्सी की पेटी बांध ली है? ये मुझे समझना है. Have you tightened, fastened your seat belts as we take off for doing the adjustments of PGBP? That's what I want to know. So quickly let me know by saying PGBP in the chat window. Have you got till this point? Yes, Pooja is saying yes. She has got it and she is convinced why we have to do topic of PGBP. Naneshwar is saying done, understood. What about others? Harshita ji. Sagnik ji. Devesh. Vishal. Uday. Chalo. अब स्टार्ट करते हैं. तो हम एनपी से स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट विथ एनपी. पहले बोलता हूं मैं, आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे ना डिस्कशन में, उतना आपको
बहुत अच्छे से समझ में आएगा. यस, वेरी गुड. तो स्टार्ट विथ एनपी. एनपी के साथ कैलकुलेशन स्टार्ट होगा. ओके, व्हाट विल यू डू विथ एनपी? यू विल ऐड दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर डेबिटेड. आप ऐड करोगे वो एक्सपेंसेस जो डेबिट किए गए हैं बट नॉट अलाउड एज डिडक्शंस, विच आर डेबिटेड बट नॉट अलाउड एज डिडक्शंस. ऐसे एक्सपेंसेस आप ऐड बैक करोगे एंड ऐड बैक करोगे स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस. स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिसका डिडक्शन यूजुअली मिलता है लेकिन नहीं मिलेगा बिकॉज यू हैव डन सम मिशिफ. इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस. तो दोस्तों, तीन कैटेगरी के आइटम्स ऐड बैक होते हैं. नंबर वन, एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड एज डिडक्शंस. ओके, मींस पर्सनल एक्सपेंस नॉट अलाउड एज डिडक्शन. ओके, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको. सेकंड, स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस, जैसे कि 10,000 के आगे कैश में पे नहीं करना था पर आपने कैश में पे किया एक्सपेंस 10,000 के आगे, तो डिसअलाउ हो जाता है. उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस. ओके, सो एंड लास्टली डीम्ड इनकम्स, ऐसे इनकम जो इस हेड में चार्जेबल है लेकिन शायद आपने P&L के क्रेडिट में नहीं लिए. तो ये सब तीन कैटेगरी की चीजें आपको करनी होती है एड बैक. ओके, तो नंबर वन, व्हाट विल यू एड बैक? नंबर वन, यू एड बैक डेप्रिसिएशन डेबिटेड, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन डेबिटेड है ना, ये आपने आपके हिसाब से डेबिट किया है P&L में. यू हैव डेबिटेड इट अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशंस. तो आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से एनपी नीचे गया है. सो हाउ विल यू नलिफाई द इफेक्ट? यू विल नलिफाई द इफेक्ट बाय एडिंग द डेप्रिसिएशन बैक. डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? तो नलिफाई होगा इफेक्ट बाय एडिंग डेप्रिसिएशन बैक. लेकिन डेप्रिसिएशन अलाउ होगा बिकॉज इट्स अ वैलिड बिजनेस एक्सपेंस. तो सागनिक जी, देवेश जी, ज्ञानेश्वर जी, पूजा जी, विशाल जी, डेप्रिसिएशन अलाउ तो होगा लेकिन अलाउ होगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट. तो हम क्या करेंगे, ये वाला डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करेंगे एंड माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट. ये देखो, डिड यू ऑल गेट माय पॉइंट गाइस? यस. ओके, देन वी विल एड बैक इनकम टैक्स. हमेशा इनकम टैक्स करना होगा एड बैक. वाई सर? वाई वी विल हैव टू एड बैक इनकम टैक्स? इट इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड. अगर इनकम टैक्स डेबिट किया है तो वो होगा एड बैक बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड. एंड देन यश जी, उसके बाद ये जो आइटम है ना, ये आइटम ये है स्पेसिफिक डिसअलाउंस ऑफ 40AIA. तो आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू अटेंशन टू दिस पॉइंट. ओके, एकदम ठीक से ध्यान दो इस पॉइंट की तरफ. ओके, व्हेन बिजनेस इज पेइंग एनी एक्सपेंस, मतलब एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस एंटिटी, आई हैव टू पे यू प्रोफेशनल फीस, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला है डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट 30% 10%. सो व्हेन आई एम पेइंग यू प्रोफेशनल फीस आई शुड डिडक्ट टीडीएस एट 10%. बट यदि मैंने वो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, इफ आई डोंट डिडक्ट दैट टैक्स एट सोर्स, देन गवर्नमेंट बोलती है 30% ऑफ द एक्सपेंस हो जाएंगे डिसअलाउ. फ्रेंड्स, कितने डिसअलाउ हो जाएंगे? हाउ मच एक्सपेंसेस विल बी डिसअलाउड? 30% ऑफ द एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड. इन शॉर्ट, फॉर एनी एक्सपेंस वेयर टैक्स वॉज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स बट इट इज नॉट डिडक्टेड ड्यूरिंग द PY.
किसी भी खर्चे पे जहां पे टीडीएस डिडक्ट करना था लेकिन नहीं किया, तो 30% ऑफ द एक्सपेंस हो जाएगा डिसअलाउ। इज इट क्लियर दोस्तों? ऐसे ही चीजों पे स्टूडेंट्स अपना दम तोड़ देते हैं, मतलब वो गिव अप करते। गिव अप नहीं करना है बिल्कुल। यस बितिका जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। एकदम अच्छे से समझ लेना है कि क्या होगा, 30% डिसअलाउ होगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैंने डिडक्ट किया इस साल बट डिपॉजिट नहीं किया अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, ओके, देन ऑल्सो 30% ऑफ द एक्सपेंस गेट्स डिसअलाउड। तो दो टाइप के विशाल जी आप मिस्टेक कर सकते हो। इफ यू आर बिजनेसमैन, यू मे मेक द पेमेंट विदाउट डूइंग टीडीएस, और यू हैव डन द टीडीएस बट यू हैव नॉट डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। डिड यू ऑल गेट माई पॉइंट गाइस? क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आया? देन यू विल डिसअलाउ हाउ मच? यू विल डिसअलाउ 30% ऑफ सच एक्सपेंस, ओके। देन आफ्टर दैट, सपोज आपने रिलेटिव को कोई एक्सपेंस पे किया है, इफ यू आर पेइंग एनी एक्सपेंडिचर टू रिलेटिव, ओके, देन कितना एक्सेस पे किया है वो हो जाएगा डिसअलाउ। मतलब मैंने सपोज मैंने स्पाउस को सैलरी पे की, इफ आई एम पेइंग सैलरी एंड इफ आई हैव पेड सैलरी टू माय स्पाउस एंड दैट सैलरी पेड इज 6 लाख पर एनम, बट सेम पोस्ट के लिए अगर मैंने थर्ड पार्टी किसी को एम्प्लॉय किया होता तो सैलरी दैट आई वुड हैव पेड इज 4 लाख सपोज। सो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विसेस गिवन बाय स्पाउस इन द फर्म इज 4 लाख, बट मैंने सैलरी कितना पे किया है 6 लाख, तो कितना एक्सेस पे किया है मैंने? हाउ मच एक्सेस आई हैव पेड गाइस? वो जो एक्सेस पे किया है टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 2 लाख, दैट विल बी डिसअलाउड। डिड यू ऑल गेट माय पॉइंट? सो एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट, ओके, एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स सर्विसेज और फैसिलिटीज टू द रिलेटेड पर्सन टू द एक्सटेंट इट इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल, वो हो जाएगा डिसअलाउ। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड माई पॉइंट गाइस? ऑल ऑफ यू, यस और नो? वेरी गुड पूजा जी। व्हाट अबाउट सागनिक, विशाल, यश, देवेश, बितिका? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? वेरी गुड यशस जी, यस, वेरी गुड। सो ये भी हो गया स्पेसिफिक डिसअलाउंस, बिकॉज मेरे एग्जाम्पल में मैंने जो सैलरी पे की थी वो थी यूजुअली अलाउड, बट वो हो गई स्पेसिफिकली डिसअलाउड बिकॉज इट इज पेड एक्सेस टू रिलेटिव, ओके। देन एनी एक्सपेंस फॉर विच यू आर पेइंग इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 ऑन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, ओके, मतलब आपने से एडवर्टाइजिंग के लिए खर्चा किया, इफ यू डेबिट इन योर P&L अकाउंट से 1,50,000 फॉर एडवर्टाइजिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज 1,50,000 इज टुवर्ड्स योर बिजनेस, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर मैंने आपको बोला दैट फ्रॉम दिस 1,50,000 50,000 इज पेड इन कैश ऑन सो एंड सो डेट, से ऑन 31st March टू मिस्टर वाई, सो दिस एंटायर 50,000 विल बिकम डिसअलाउ बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, ओके, फॉर विच पेमेंट इज डन इन कैश इन एक्सेस ऑफ 10,000 ऑन अ सिंगल डे
टू अ सिंगल पर्सन. डिड यू गेट माई पॉइंट? तो ये भी डिसअलाउ होगा एज पर 48(3), ये भी हो जाएगा स्पेसिफिक डिसअलाउंस. तो डिड यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक डिसअलाउंस? यस, कंप्लीटली डिसअलाउ हो जाएगा, 100% डिसअलाउ हो जाएगा. 100% मतलब जितना कैश में पे किया है उतना एंटायर अमाउंट हो जाएगा डिसअलाउ. देन फ्रेंड्स, कमिंग नेक्स्ट टू 43B. 43B मतलब कुछ एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं इफ दे आर पेड टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. ओके, जैसे कि बोनस पेबल टू स्टाफ, अमाउंट पेबल टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ द एसेट्स, इंटरेस्ट पेबल टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज. कितने पेमेंट्स बोले मैंने आपको, कितने कैटेगरीज के पेमेंट बोले अभी? 4 कैटेगरीज के. तो दीज 4 कैटेगरीज ऑफ पेमेंट आर अलाउड only, means 4 categories of expense are allowed only when they are actually paid and they could be paid up to due date of filing income tax return. समझ में आया? Yes sir. अब इसमें और एक point है बहुत important. मतलब मैंने due date तक pay नहीं किया तो हो जाएगा disallow. इसलिए मैंने उसको कहां पे लिया है? एड में लिया है. मतलब मान के चलो कि बोनस पेबल टू एम्प्लॉइज वॉज 10 लाख रुपीज. ओके, तो आपने 10 लाख डेबिट किया P&L में, बट सपोज उस 10 लाख में से 8 लाख से पे हुआ अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. 10 लाख में से 8 लाख ही पे हुआ तो 8 लाख अलाउ हो जाएगा. मतलब डिसअलाउ कितना हो जाएगा? 10 लाख में से 8 लाख अलाउ हो जाएगा, मतलब 2 लाख हो जाएगा डिसअलाउ. डू यू ऑल एग्री विथ मी? तो फ्रेंड्स, दैट 2 लाख रुपीस इज अ अमाउंट टू बी एडेड बैक हियर. यस एग्जैक्टली, सागनिक जी बोलता हूं 43B. One more time I will tell you what is 43B. ध्यान से सुनना, ये बोनस वाला एग्जाम्पल फिर से बोलू कि आपको 10 लाख रुपीज यू हैव डेबिटेड इन P&L अकाउंट. 10 लाख रुपीज यू हैव डेबिटेड इन P&L अकाउंट एज बोनस, बट आउट ऑफ 10 लाख रुपीज आपने पे किया, एक्चुअल में पे किया एम्प्लॉयज को सिर्फ 8 लाख अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR. तो कितना पे नहीं किया? 2 लाख पे नहीं किया. गेटिंग माई पॉइंट? सो ये 2 लाख हो जाएगा एड बैक. डिड यू अंडरस्टैंड सागनिक जी? यस नो? फटाफट लेट मी नो, हैव यू गॉट द पॉइंट? यस सर, अंडरस्टूड. वंडरफुल, वंडरफुल. ओके, अब इसमें 43B क्लॉज एच, सेक्शन 43B क्लॉज एच भी ऐड हो गया इसमें. ओके, तो वो जो क्लॉज एच है that is talking about payment to SMEs, small and medium enterprises. तो इतना समझना है मुझे. ओके, SMEs में मुझे इतना समझना है कि मुझे अब जो small and medium enterprises है उनको pay करना है on or before due date given under SME Act.
तो एसएमई एक्ट के अनुसार जो ड्यू डेट है उसमें मुझे पे करना है, ओके, एंड नॉट अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर, तभी वो एसएमई के जो प्रति एक्सपेंस है वो तभी अलाउ होगा इफ यू आर पेइंग एज पर ड्यू डेट ऑफ एसएमईज एक्ट, ओके, यस। तो मैं आपको बाकी चार टाइप्स के पेमेंट फिर से बोलता हूं सागनिक जी। नंबर वन स्टैट्यूटरी ड्यूज, नंबर टू सर्टन अमाउंट पेबल टू एम्प्लॉइज, नंबर थ्री अमाउंट पेबल टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ द एसेट्स, एंड लास्टली इंटरेस्ट पेबल टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? यस, एब्सोल्युटली। शैल वी गो अहेड? देन आते हैं पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस हो जाएंगे डिसअलाउ बिकॉज एज पर पीजीबीपी प्रोविजंस व्हाट इज अलाउड इज एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी इनकर्ड ड्यूरिंग द पीवाई, एंड दे शुड बी रेवेन्यू इन नेचर एंड नॉट कैपिटल, ओके। तो पर्सनल एक्सपेंस ऑफकोर्स बिजनेस में कैसे अलाउ हो गए? तो आपने पर्सनल एक्सपेंस डेबिट किए हैं मतलब अननेसेसरीली एनपीएस गॉन डाउन, तो यू विल एड देम बैक। देन कैपेक्स, एनी टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंस यू विल हैव टू एड, ओके, एनी टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंस यू विल हैव टू एड बिकॉज कैपिटल एक्सपेंस पे मुझे मिल सकता है डेप्रिसिएशन, एंड यूजुअली कैपिटल एक्सपेंस आर नॉट अलाउड। मतलब आपने लैंड परचेज किया तो ऑफकोर्स इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंस। आपने मोटर कार परचेज किया, नॉट अलाउड, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस। देन रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर वो भी अलाउ नहीं होते, ओके। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होते हैं वो भी अलाउ नहीं होंगे। देन फाइन और पेनल्टी फॉर इंफ्रिंजमेंट और ब्रीच ऑफ लॉ, ओके, आपने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया लॉ का, चाहे जीएसटी लॉ का या किसी भी लॉ का, आपने क्या किया, कॉन्ट्रावेंशन किया, ओके, देन यू विल नॉट बी अलाउड द पेनल्टी, ओके। जो पेनल्टी पेएबल है दैट विल बी डिसअलाउड। Then all expenses related to income which is not taxable under this head, जैसे कि आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस को डेबिट किया, म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर रेसिडेंशियल हाउस को आपने डेबिट किया, बट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम टैक्सेबल होने वाला है एचपी में, हाउस प्रॉपर्टी में, गेटिंग इट? तो म्यूनिसिपल टैक्स वहां पे डिडक्शन मिलेगा वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम एचपी, तो वो अननेसेसरीली पीएनएल में डेबिट हुआ है, तो अननेसेसरीली पीजीबीपी हैज गॉन डाउन, ओके। आप यहां पे भी अलाउ करोगे, वहां पे भी जीएवी में से माइनस करोगे तो डबल डिडक्शन मिलेगा, इसलिए यहां पे ऐसे चीजें हो जाएंगी एडबैक। इज इट गाइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो मैं मतलब आपको इस बैच में सिर्फ कंफर्ट फैक्टर नहीं देना चाहता, ओके, आई वॉन्ट टू रियली डू दोज थिंग्स विच मैटर, तो पीजीबीपी मैटर्स अ लॉट, तो यू कैनॉट अवॉइड इट, ओके, यू कैनॉट अवॉइड इट। हम बैठ के 30-40 घंटा ऐसे इनकम टैक्स पढ़ेंगे कि जो चीजें लिटरली मैटर करती है वो पढ़ेंगे, चाहे थोड़ा आपको कष्ट क्यों ना हो, ओके, मतलब आपको अच्छा लगेगा वही नहीं पढ़ेंगे, जो जरूरी है वो पढ़ेंगे, ये आप समझ लेना, ओके। इट इज इंपॉर्टेंट टू डू इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड नॉट इजी थिंग्स ओनली, तो वी आर गोइंग टू डू इन डेप्थ व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड
फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर सक्सेस. ये याद रखो. इसलिए मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया है, पीजीबीपी से स्टार्ट किया है, क्योंकि आपकी जो लेवल है वो कोई अभी इंटरमीडिएट लेवल नहीं है, यू आर राइटिंग एग्जाम फॉर फाइनल लेवल. तो पीजीबीपी इज योर बेस टॉपिक, बेस्ट नहीं बेस, बट बेस को बनाना है बेस्ट. यस, यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो दोस्तों एग्जैक्टली उन चीजों में यू नो उन चीजों को टच करेंगे, उन चीजों के डेप्थ में जाएंगे जो मैटर करते. सो इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर प्लीज डोंट फील शाय टू लाइक द वीडियो. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डू शेयर दैट यस सर्च बैच इज हैपनिंग, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके चलो, इस बार ना टैक्स में सबको 65 के आगे ही स्कोर आना चाहिए. दैट इज माई विजन, दैट इज माई मिशन, दैट इज एमईपीएस मिशन. दैट्स वाई वी आर कंडक्टिंग सच अ बैच, प्लीज अंडरस्टैंड. ओके देन बैड डेट्स, ये पार्टनरशिप वाला विल डू एज एज वी गो इन द पार्टनरशिप फॉर्म का कैलकुलेशन. देन बैड डेट्स, bad debts allowed as deduction under section 31 in earlier PY. So, पहले जो bad debts allow हो गए as deduction, but अभी वो recover हो गए. Okay, तो वो आपका income हो गया. You were not expecting to receive the money from your debtors, so you had put them in P&L debit last year or last to last year, and it was allowed as deduction. बट उन लोगों ने आपको अभी पैसा दिया, सो ऑफकोर्स दैट बिकम्स योर इनकम. देन कम्स रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी. मीन्स कोई भी ट्रेडिंग लायबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. रेमिश मतलब कैंसल हो जाती है. तो लायबिलिटी कैंसल हो गई तो बल्ले बल्ले बधाई बधाई, दैट इज योर इनकम. सो दैट यू विल एड. तो इन सब एडिशंस के बाद जो मिलेगा आपको उसकी टोटल यहां पे लेनी है, एडिशंस की टोटल. देन एनपी एंड एडिशंस को ऐड करना है, एनपी एंड एडिशंस के टोटल को करना है ऐड. देन यू विल गेट सब टोटल. इज इट गाइस क्लियर? यस, यू विल गेट हियर सब टोटल. Agreed. Then less. You will less what? You will less expenses allowable as deduction but not debited to statement of P&L, that is specific deductions or items credited but not taxable under this head. Okay. जो unnecessary item credit किए हैं लेकिन जो इस head में taxable नहीं है वो चीजें हम करेंगे माइनस. क्लियर ऑल ऑफ यू? व्हेन वी गो टू टैक्सेशन ऑफ कंपनीज टॉपिक यू विल थैंक मी एट दैट टाइम. अच्छा हुआ सर पीजीबीपी के बेसिक्स कवर किए, राइट? क्योंकि हमें बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं टैक्सेशन ऑफ कंपनीज में. यस, तो वहां पे मैं अज्यूम नहीं करना चाहता कि सबको पीजीबीपी आता है. दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस फर्स्ट. अब आई होप आपको मेरा इंटेंशन समझ में आया है. ओके, तो आप पहले माइनस करोगे डेप्रिसिएशन. ऑलरेडी डिस्कस किया हमने डेप्रिसिएशन स्पेसिफिकली अलाउ होता है. डिविडेंड इनकम अननेसेसरीली पी एंड एल में क्रेडिट हुआ है, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS. एग्रीकल्चर इनकम, आप बोलोगे मुझे चैट विंडो में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). तो एग्री इनकम को आप करोगे माइनस अगर उसको पी एंड एल में क्रेडिट किया है. अननेसेसरी इनकम बढ़ा है तो आप करोगे माइनस. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेविंग बैंक, एफडी,
ये सब कुछ टैक्स होगा IFOS में, तो क्रेडिट हुआ है P&L में, तो अननेसेसरी एनपी ऊपर गया है, तो यू विल माइनस इट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स यू विल माइनस, बिकॉज वो कैपिटल गेन्स में टैक्स होगा। रेंटल इनकम फ्रॉम HP यू विल माइनस, बिकॉज वो HP में टैक्स होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, गेम्स एक्सेट्रा, IFOS में टैक्स होगा, तो आपने P&L में क्रेडिट किया है तो माइनस करोगे। गिफ्ट्स, गिफ्ट्स मे बी टैक्सेबल अंडर IFOS बट सर्टनली नॉट अंडर द हेड PGBP। इनकम टैक्स रिफंड एंड इवन इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये सब कुछ दोस्तों होगा माइनस। वो माइनस होने के बाद माइनस की सब टोटल आएगी, और दोस्तों माइनस की सब टोटल होगी माइनस, मतलब सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सब टोटल ऑफ एनपी एंड एडिशंस। एनपी एंड एडिशंस के सब टोटल में से जब लेस की टोटल माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, क्या आएगा, अपना अपना आएगा PGBP। इज इट गाइस एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ टू कैलकुलेट PGBP ऑफ एनी एंटिटी? ये वे है PGBP निकालने का। लेट इट बी कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, HUF, डजंट मेक डिफरेंस, दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग PGBP। इफ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, देन यू विल सी इन द चैट विंडो PGBP, सो दैट वी कैन गो अहेड एंड डू द मेन टॉपिक दैट मैटर्स, टैक्सेशन ऑफ कंपनीज। टैक्सेशन ऑफ कंपनीज का बेसिक भी आज स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट द बेसिक ऑफ टैक्सेशन ऑफ कंपनीज इफ PGBP इज क्लियर टू यू। सो एज आई टोल्ड यू, डोंट फोकस ऑन सैलरी एट दिस लेवल, डोंट फोकस ऑन HP। मतलब एक बार आपको मैं फॉर्मेट रिवाइज करवाऊंगा एज वी गो अहेड। कैपिटल गेन ऑल्सो आई विल टेल यू इंपॉर्टेंट थिंग्स एज वी गो अहेड, इवन IFOS, बट मेन वॉज PGBP। एग्रीड? चलो, आई कैन सी मेजॉरिटी ऑफ यू सेइंग यस सर। बहुत लोगों ने नहीं दिया है रिप्लाई, बट बहुत लोगों ने दिया भी है। सो आई सी द ग्लास एज हाफ फिल्ड। यस, पॉजिटिवली आई सी द ग्लास एज हाफ फिल्ड एंड आई वुड लाइक टू गो अहेड विद एवरीवन्स ड्यू परमिशन। आई वुड लाइक टू गो अहेड। सो शैल वी गो टू टैक्सेशन ऑफ कंपनीज, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, जिसका बहुत ही बढ़िया वेटेज है आपके सिलेबस में। यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। साग्निक जी, क्या सम सॉल्व होंगे क्लास में? 100% सम्स के बिना टैक्स अधूरा है, 100%। आज ही आप डेमो देखोगे। ओके, सो यस, दिस बैच इज योर हैंड होल्डिंग सेशन फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम। मतलब जो जो एग्जाम क्लियर करने के लिए लगता है वो सब कुछ इस बैच में होने वाला है। तो ऑफ कोर्स सम्स के बिना तो टैक्स हो ही नहीं सकता। यस, 100% एग्जाम क्वेश्चंस एंड सच क्वेश्चंस विच कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम्स, वैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस बैच में। एक ही समझ लो सिंपल सेंटेंस में, योर टैक्स हैज नाउ बिकम माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज DT, कल IDT, DT IDT, DT IDT, ये सिलसिला चलता रहेगा। MWF DT TTS IDT ऐसे चलते रहेगा। आप सिंसियरली अटेंड करोगे सब लोग, तो योर टैक्स, जो जो अटेंड करेंगे सिंसियरली, योर टैक्स इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे सब्जेक्ट को आगे लेके जाना है, दैट इज 100%
माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो देखो, तो टैक्सेशन ऑफ कंपनीज में अलग क्या होता है, वॉट इज डिफरेंट इन टैक्सेबल ऑफ टैक्सेशन ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज को टोटल इनकम तो निकालना है, मतलब टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम पे नॉर्मल टैक्स निकालना है। ऑन टोटल इनकम कंपनीज हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल टैक्स, बट दैट इज नॉट द फाइनल आंसर, दैट इज नॉट द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। मतलब अभी हमने जो पीजीबीपी कैलकुलेट किया ना, दैट कुड हैव बीन पीजीबीपी फॉर द कंपनी, दैट पीजीबीपी इटसेल्फ कुड हैव बीन टोटल इनकम फॉर द कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास बाकी कोई हेड्स ऑफ इनकम नहीं है। बट वो फाइनल आंसर नहीं होता है, टोटल इनकम एंड टोटल इनकम पे टैक्स वो फाइनल नहीं होता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 115JB बोलता है कैलकुलेट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। एक बार सब लोग चैट विंडो में लिखेंगे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट, कैलकुलेट मैट, मैट एट द रेट ऑफ 15% ऑन द बुक प्रॉफिट्स। ओके, तो इनकम टैक्स एक्ट बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस कंपनी के पास एक्चुअल में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, डिविडेंड देने के लिए तो बहुत खूबसूरत प्रॉफिट है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो दोस्तों वो जो प्रॉफिट है नॉट एज पर इनकम टैक्स बट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको बोलते बुक प्रॉफिट। और दोस्तों बुक प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है मैट, कितने परसेंट पे कैलकुलेट होता है मैट, मैट इज कैलकुलेटेड एट 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। डू यू एग्री विथ मी? Yes or no guys? Yes, am I back? Yes, मैं गायब हो गया था क्या? MAT will be calculated at 15% of book profits. Is it guys clear to all of you? Shall I take you ahead? Yes. अब देखो, तो MAT minimum alternate tax, तो you will pay normal tax or MAT, whichever is higher. Is it clear? You will pay, dosto, normal tax, this normal tax, or this MAT, whichever is higher, that you will pay. Okay? Ab, aapne suppose MAT pay kiya, government ke bolne se, aapne MAT pay kiya. Matlab, what is happening? You are paying that 15%, means you are paying more than normal tax. So aap jo more than normal tax pay karoge na, that will become your asset and that will be called as MAT credit. Kya bolenge usko? MAT credit. Aur ye jo aapki, matlab ek aapko example deta hu ki according to MAT book profit 115JB aapka MAT aaya 16 lakh and your normal tax was 10 lakhs. And so you had to pay MAT. So aapne kitna MAT extra pay kiya? 6 lakh rupees. Now guys, that 6 lakh is called as MAT credit. Aur wo jo MAT credit hai, wo aage jaake use hota hai in that financial year or that previous year, you can say, in which normal tax is greater than MAT. ओके, कैसे वो देखेंगे? एंड वो मैट क्रेडिट है ना, मैट क्रेडिट, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 15 इयर्स, 15. सो टेल मी फॉर हाउ मेनी इयर्स मैट क्रेडिट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड? फटाफट सब लोग चैट विंडो में बोलेंगे मैट क्रेडिट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर डैश नंबर ऑफ इयर्स। यस, मैट क्रेडिट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर
15 years, 15. यहां तक have you all followed? Shall we go ahead, guys? Are you sitting with Kelsey's? Yes, yes, sir. तो यहां पे अब सीखना है पूजा जी how to calculate book profits. How to calculate book profits ये सीखना है क्योंकि book profit पे आएगा मैट. तो this is a good opportunity of comparing between PGBP के adjustments and book profit के adjustments. Okay, तो book profit कैसे calculate होता है? तो book profit मतलब क्या actually? Book profit मतलब actually NP as per statement of P&L. जो कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है ना, उसके अनुसार जो एनपी है उसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट. बट इसमें भी आपने बहुत से अननेसेसरी आइटम्स किए हो सकते हैं, डेबिट अननेसेसरीली. ज्ञानेश्वर जी, योर एनपी कुड हैव गॉन डाउन. और अननेसेसरीली कुछ आइटम किए हो सकते हैं क्रेडिट, सो अननेसेसरीली योर एनपी कुड हैव गॉन अप. So friends, you have to do adjustments to the NP for getting book profits. समझ में आया? तो NP में कुछ add होगा, NP में से कुछ minus होगा, तब जाके निकलेगा book profit. Did you all get my point, guys? So can we check items which should be added and which should be subtracted for getting your book profits? And these items are not random items. These items are given in section 115JB. Yes or no? Did you get the point till this? Can I go ahead and explain you how to find out book profits? So you will add back income tax paid, payable, okay, provisions for income tax. Next, interest on income tax, amount transferred to reserves. Okay, देखो ये जो आइटम्स है इसके वजह से अननेसेसरीली एनपी हैज गॉन डाउन. एक्चुअल में ये जो है ना, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स, दीज आर नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, मतलब ये प्रॉफिट का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है. बट इनको आपने जब डेबिट किया तो अननेसेसरी एनपी नीचे गया. ओके, तो इनकम टैक्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स तो कभी भी इनकम टैक्स है, उसका कोई भी हिस्सा कभी भी अगर वो एनपी नीचे कर आपको तो यू शुड एड इट बैक. देन अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ओके, ये तो आपके प्रॉफिट में से गया. Then provision for unascertained liabilities, मतलब contingent liabilities के लिए आपने कुछ provisions किए हैं, तो वो भी disallow हो जाएंगे. Disallow हो जाएंगे मतलब you'll have to add it back while computing book profits. Then provision for losses of subsidiary companies, ये तो आपके loss है भी नहीं, तो unnecessarily NP is going down. Then डिविडेंड्स पेड, तो डिविडेंड पेड क्या है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है. बट आपने अगर प्रॉफिट निकालते वक्त उसको माइनस किया है तो यू हैव टू एड इट बैक. देन एक्सपेंडिचर्स फॉर सच इनकम्स विच आर एग्जम्प्ट, तो एक्चुअली एग्जम्प्ट इनकम आपको करने माइनस. थैंकफुली गवर्नमेंट सेज एग्जम्प्ट इनकम पे मैट मत निकालो. गॉट इट?
तो उसके रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो आपको करने हैं ऐड, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम होगा माइनस, ये देखो एग्जम्प्ट इनकम्स होते हैं माइनस, तो एग्री इनकम होगा माइनस। तो एग्रीकल्चर इनकम अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस डेबिट किए हैं वो हो जाएंगे ऐड, क्योंकि इनकम का इफेक्ट नलीफाई किया तो एक्सपेंस का भी इफेक्ट नलीफाई करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो जाएगा? डेप्रिसिएशन डेबिटेड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन डेबिटेड। व्हाई सो? जो डेप्रिसिएशन डेबिट किया है दैट माइट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। हर एक सवाल जो पूछेंगे मैट का उसमें ये एडजस्टमेंट होने वाला है दोस्तों। क्या हुआ? 80 लाख रुपीज ओरिजिनल कॉस्ट थी एसेट की, कितनी थी ओरिजिनल कॉस्ट? 80 लाख। 80 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन लेना था, तो करेक्ट डेप्रिसिएशन वॉज 8 लाख, बट एसेट को किया रिवैल्यू 100 लाख पे। रिवैल्यू कर सकते हैं एसेट को अपवर्ड, तो 100 लाख पे रिवैल्यू किया। अब 100 लाख पे 10% लिया, वो कितना आया? 10 लाख। गेटिंग इट? वो आया 10 लाख। 10 लाख किया डेबिट, तो गाइस एनपी हैज गॉन डाउन बाय 10 लाख, बट 20 लाख तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन था, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन इज हाउ मच? 2 लाख। गेटिंग माय पॉइंट? सो 2 लाख इज अननेसेसरीली डेबिटेड, तो अभी आपको माइनस करते वक्त 8 लाख माइनस करना है। मीन्स यू विल एड बैक फुल डेप्रिसिएशन डेबिटेड, बट व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग व्हाट विल यू सब्ट्रैक्ट? यू विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन डेबिटेड, नो प्रॉब्लम, बट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो 10 लाख किया एड बैक इन माई एग्जाम्पल एंड 8 लाख किया माइनस। सब लोग बोलेंगे मुझे हैव यू अंडरस्टूड एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन? फटाफट गाइस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई इन द चैट विंडो। हैव यू ऑल अंडरस्टूड एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन? इफ यस, चैट विंडो में लिखोगे डेप्रिसिएशन, डेबिटेड जो है वो हो जाएगा एड बैक। एंड फ्रेंड्स, एक्सक्लूडिंग दैट ऑन रिवैल्यूएशन हो जाएगा माइनस। ओके, यस, वेरी गुड। सागनिक इज सेइंग अंडरस्टूड, व्हाट अबाउट अदर्स? तो सागनिक जी आज एक सवाल बना के आपको छोड़ेंगे, राइट? टुडे वंडरफुली वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन एंड देन ओनली वी विल कंक्लूड द सेशन। Did you get it? Yes. Nyaneshwar is also saying yes. चलो, then एक bookish adjustment है deferred tax accounting standard के अनुसार। If you have done that bookish adjustment मतलब वो actual expense नहीं है, तो वो भी आप करोगे add। That is deferred tax. And finally, provision for diminution इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट। डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट मीन्स लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके, तो ये सब हो जाएगा एड। तो
इस एडिशंस की यहां पे आएगी सब टोटल एंड देन एनपी एंड एडिशंस की टोटल आएगी यहां पे एज अ सब टोटल एंड देन वी विल गो टू लेस आइटम्स। लेस आइटम्स में जैसे डिस्कस किया आपके साथ एनी एग्जम्प्ट इनकम्स, देन अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स, अमाउंट विच इज विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स, रिजर्व से आपने अमाउंट पी एंड एल में ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड पे, सो एक्चुअली इट इज नॉट दैट ईयर्स इनकम, तो वो हो जाएगा आपका माइनस। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा दैट इज दिस डेप्रिसिएशन एज वी डिस्कस्ड एंड देन ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। जो आपका ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है ना या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नॉट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, विच एवर इज लोअर वो हो जाएगा माइनस एंड देन डेफर्ड टैक्स हो जाएगा माइनस, दैट डेफर्ड टैक्स इफ इट इज क्रेडिटेड टू पी एंड एल, बुकिश एडजस्टमेंट है ना, अननेसेसरी एनपी वुड हैव गॉन अप सो यू विल माइनस दैट। लेस की टोटल लोगे एंड सब्ट्रैक्टिंग टोटल ऑफ लेस फ्रॉम द सब टोटल इज गोइंग टू गिव यू बुक प्रॉफिट्स। Did you get my point, guys? How to get book profit? If yes, आप लिखोगे chat window में book profits. Waiting, guys. Waiting for your confirmation. Have you all understood how to get book profits? I am continuously reading your chats so that I can explain you. If you want me to explain any point in more depth, yes. वेरी गुड, आगे बढ़ते। अब दोस्तों आगे बढ़ते, एक पॉइंट है कि यू हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम, टोटल इनकम पे यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स एट नॉर्मल रेट, थर्ड यू हैव टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट, देन यू हैव टू कैलकुलेट मैट एंड देन यू विल पे टैक्स as per step 2 or step 4, whichever is higher, yes. तो वो calculate करते वक्त normal tax calculate करने के लिए what is the rate of tax? Student, you know that. So for companies, what is the normal rate of tax? Of course, for EY 24-25. Okay, तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 111A, मतलब यू नो ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विच आर लिस्टेड उस पे है 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर 112A, मतलब ऑन लिस्टेड शेयर्स तो उस पे है 10% ऑफ कोर्स इन प्रॉफिट्स एक्सेस ऑफ 1 लाख। देन अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स as per 112, you know it is 20%. Then lottery winning, crossword puzzles, casual incomes, is pe tax hota hai 30%. Okay, to ye ho gaya apna special incomes pe tax. Ab special incomes ke baad aate hai normal incomes pe. Normal income matlab balance income pe. To isme aayega 25% rate of tax if your turnover, एक बार लिखो चैट विंडो में turnover, turnover in
लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब हम 23-24 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको 22-23 का छोड़ना है, 21-22 का देखना है। अगर 21-22 में आपका टर्नओवर 400 सीआर के नीचे था या 400 सीआर तक था, देन रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 25%, एंड इफ इट एक्सीडेड 400 करोड़, देन इट इज 30%। ओके, ये हो गया ऑफकोर्स डोमेस्टिक कंपनी के लिए, एग्रीड। एंड फॉरेन कंपनी के लिए इट इज 40%, यूजुअल रेट ऑफ टैक्सेस 40%, स्पेसिफिक रॉयल्टी है तो इट इज 50%। क्लियर ऑल ऑफ यू? द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर कंपनी, दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन योर टोटल इनकम ऑफ स्टेप वन। सो टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एट दिस परसेंटेजेस, थर्ड बुक प्रॉफिट, फोर्थ मैट, एंड टैक्स पेबल विल बी नॉर्मल टैक्स और मैट, विच एवर इज हाइयर। इज इट गाइज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल दिस पॉइंट? फटाफट चैट विंडो में बोलोगे, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल दिस पॉइंट? Yes or no? Yes, sir. Shall we go ahead? Okay. Then, of course, surcharge आएगा. Companies के लिए surcharge आएगा. For domestic company, as you know, if total income is between 1 CR, if total income is between 1 CR to 10 CR, then this surcharge will be 7%. If total income is above 10 CR, then this surcharge is 12%. Agreed? Yes, Devesh ji, 100%. For foreign company, it is 2% and 5%. And jo total tax aega, us pe health and education cess aega at 4%. Have you all understood till this point? Shall we go ahead for further discussion? Shall we go ahead and solve one quick question? Friends, shall we go ahead and solve one quick question? Yes, no? चलो ये क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चंस तो कर लेंगे आज। श्योरली वी शुड डू 1-2 क्वेश्चंस टुडे सो दैट यू गेट कॉन्फिडेंस। Go to please question number 8. Please go to question number 8. तो एक और पॉइंट मुझे आपको समझाना है, वो क्वेश्चन 8 से एकदम डिटेल में समझेगा पॉइंट।
So are all of you there on question number 8, guys? Exam question hai, by the way. Module question bhi hai. Exam question bhi hai. Both important question hai. Okay, let's see. NP of Renuka Limited, an Indian company, as per its P&L account, prepared as per Income Tax Act, is 90 lakhs. So friends, given profit is 90 lakhs, it is after debiting and crediting following items. Okay, it is after debiting and crediting following items. Ek baar dekh lo, main sawal kya poochha hai? Main sawal poochha hai, compute tax liability under 115JB. Matlab MAT nikalna hai. You don't have to calculate final tax liability. You have to calculate MAT. Do you agree with me? Because yahan pe likha hai compute tax liability under 115JB for AY 24-25. Yes, sir. Turnover in the PY 21-22 was 4.5 crores. Doesn't matter. Hame to MAT nikalna hai. MAT is at dash percent of book profit. MAT ka percentage kya hai? MAT is at 15% of book profits. Isn't it? So, friends, 90 lakhs se start karna. Wo NP hai. And keep on telling me how to get book profits. Okay, I hope you all are sitting with calculator. Provision for income tax. Kya karoge provision for income tax ka? You will of course add it. Very good. Provision for income tax you will add. Provision for deferred tax. This also you will add. Proposed dividend, you will add. All of these are adjustments or items as per explanation 1 to section 115JB. Next, kya karoge with depreciation? What will you do with depreciation? Dekho, pehle to jitna kitna depreciation debit kiya hai, wo karoge add. So depreciation you will add. Okay, debited depreciation you will add. But up minus karoge depreciation debited excluding depreciation on revaluation reserve. Means revaluation of asset. So kitna hai depreciation on revaluation of assets? Guys, 20 lakhs hai na? So while subtracting, you will subtract 60 lakh minus 20 lakh. So aap 60 lakh add karoge and 40 lakh minus karoge. You will add back 60 lakh and you will minus 40 lakhs. Did you get it? Matlab sahi dhang se 40 lakh hi minus hona chahiye tha. But humne debit kiya hai 60 lakh. So, हम 60 लाख का इफेक्ट नलीफाई करेंगे बाय एडिंग इट बैक एंड हम माइनस करेंगे 40 लाख. डिड यू ऑल गेट इट गाइस? यस नो? क्योंकि मैंने जैसे बोला आपको ये एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो हैव यू फॉलोड दिस गाइस? यस, आई एम क्वाइट श्योर यू हैव फॉलोड इट. Then, profit from industrial unit in SEZ area. Ye dekho, bahut hi important point hai. Usually, SEZ wala profit hota hai exempt. Isliye logically, aapne karna chahiye tha usko minus. But, it is specifically given ki MAT is payable on profit from industrial unit in SEZ. So
इस पे मैट पेबल है, मींस गाइस दिस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर बुक प्रॉफिट्स. अगेन दिस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर बुक प्रॉफिट्स. नाउ सिंस दिस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर बुक प्रॉफिट्स and it is already forming part of your 90 lakhs, no effect. Yes, Nyaneshwar ji, 100%. Nyaneshwar is saying, can you explain the point of depreciation again? 100%. But kya pahile mujhe bolo, profit from industrial unit in SEZ area samajh mein aa gaya? Did you understand this point? प्रॉफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट इन SEZ, तो इसका नो इफेक्ट आएगा. नो इफेक्ट आएगा क्योंकि दैट हैज बीन क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, तो ऑलरेडी एनपी इंक्लूड्स इट एंड एनपी शुड हैव बीन इंक्लूडेड विद दैट प्रॉफिट बिकॉज बुक प्रॉफिट का वो हिस्सा होना चाहिए. ओके Sagnik is saying, sir, SEZ का पॉइंट एक बार बोलो. ओके Sagnik जी, यूजुअली SEZ का प्रॉफिट होता है exempt. डू यू एग्री? यूजुअली SEZ का प्रॉफिट होता है exempt. डू यू एग्री? यस. तो वो होना चाहिए था माइनस, क्योंकि स्पेसिफिकली बोला गया है कि incomes exempt will not be included, incomes exempt should be subtracted. So usually वो होना चाहिए था minus, but specifically बोला गया है कि SEZ के profit पे MAT आएगा. SEZ के profit के ऊपर MAT आएगा मतलब it should form part of the book profit, क्योंकि book profit पे MAT आने वाला है. Do you agree with me? तो अभी एनपी से हम क्या निकाल रहे हैं प्लस माइनस करके? एनपी से हम बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं प्लस माइनस करके. तो ऑलरेडी ये क्रेडिट में है, ये 80,000 ऑलरेडी क्रेडिट में है P&L के, मतलब 80,000 ऑलरेडी एनपी में है, तो उसको निकालना नहीं है बाहर क्योंकि उस पे मैट आने वाला है. डिड यू नाउ अंडरस्टैंड Sagnik जी? क्या आपको पॉइंट समझ में आ गया ऑफ SEZ प्रॉफिट? यस और नो? वेरी गुड. अब ज्ञानेश्वर, आपके लिए डेप्रिसिएशन का पॉइंट और सब लोगों के लिए फिर से डेप्रिसिएशन का पॉइंट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो हमने जो 60 लाख डेबिट किया है, क्या आप मानते हो कि 60 लाख से एनपी नीचे गया है? यस सर, 60 लाख डेबिट किया है मतलब 60 लाख से एनपी नीचे गया है. लेकिन दोस्तों, 60 लाख से नीचे जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि 60 लाख में 20 लाख इज ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. सो एक्चुअली नीचे जाना चाहिए था 40 लाख से ही. 20 लाख वाहियात है, अननेसेसरी है, बिकॉज वो एक्चुअल डेप्रिसिएशन नहीं है, वो डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है. तो दोस्तों, आप 60 लाख का इफेक्ट करोगे नलीफाई. हाउ विल यू नलीफाई? बाय एडिंग बैक. एंड 40 लाख करोगे अलाउ. हाउ विल यू अलाउ? बाय सब्ट्रैक्टिंग. तो 60 लाख किया ऐड, 40 लाख किया माइनस. ऑटोमेटिकली जो अननेसेसरी 20 लाख डेबिट किए थे वो हो गए ऐड बैक. इज इट क्लियर Sagnik जी? नहीं ज्ञानेश्वर, इज इट क्लियर? ज्ञानेश्वर ने पूछा था डाउट. तो इज इट क्लियर? एड बैक करना है टू नलीफाई द इफेक्ट एंड माइनस करना है टू अलाउ द
रिक्वायर्ड अमाउंट. चलो वेरी गुड. एंड लास्टली प्रोविजन फॉर परमानेंट डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा एड. सो फ्रेंड्स, यस सर, नाउ क्लियर, वंडरफुल वंडरफुल, बढ़िया है. अब दोस्तों, कैलसी रेडी आपके पास? आर यू रेडी सिटिंग विद द कैलकुलेटर? प्लीज टेक ऑन योर कैलसी 90 लाख. प्लीज टेक ऑन योर कैलसी 90 लाख. 90 लाख में एड बैक 5 लाख, एड 3 लाख, एड 7,50,000, एड 60 लाख, एड 70,000. प्लीज डू दिस एडिशंस. Please do all these additions and minus your 40 lakhs and tell me what is your book profits. Guys, tell me what is your book profits. Kya hai aapke book profits? $90 lakhs plus 5 lakh plus 3 lakh plus 7,50,000 plus 60 lakhs plus 70,000 and minus yours 40 lakhs. So check whether your book profits are 1,26,20,000. Wonderful. 1,26,20,000 is your book profits. मैट निकालने को पूछा है, दे हैव जस्ट आस्क अस मैट, सो प्लीज कैलकुलेट मैट एट 15%. मैट एट 15% ऑन बुक प्रॉफिट विल बी 18,93,000. एंड नाउ सिंस बुक प्रॉफिट 1 करोड़ के आगे है, सरचार्ज भी आएगा एट 7%. प्लीज कैलकुलेट सरचार्ज. 18,93,000 पे सरचार्ज निकालो एट 7%. एक सब टोटल और सब टोटल पे निकालो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%. एंड टेल मी वेदर यू आर गेटिंग आंसर एज 21,06,530. क्या आपका फाइनल मैट पेबल 21,06,530 है? यस सर. तो दोस्तों, इसका जो प्रेजेंटेशन पार्ट है ये बन जाएगा आपका आज का कंपलसरी होमवर्क. बाकी कुछ नहीं होमवर्क देना चाहूंगा, प्रेजेंटेशन पार्ट होमवर्क देना चाहूंगा इफ पॉसिबल विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन. And then you can check from the solution, ताकि आपका presentation part भी fix हो जाए दिमाग में आपके. एकदम अच्छे से heading आएगा that computation of book profit and MAT, then particulars and 2 amount columns आएंगे. Second column में NP आएगा, first column में सब additions आएंगे, उसकी total आएगी, सब टोटल आएगी, लेस के आइटम्स आएंगे उसकी टोटल आएगी, बुक प्रॉफिट निकलेगा एंड देन यू विल आल्सो बी एबल टू कैलकुलेट मैट. ओके, सो यू हैव टू रीच टिल 21,06,530. ओके सागनिक जी, राउंड ऑफ किया तो नियरेस्ट ऑफ 1 तो भी चलेगा. ओके, वो 0.4 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, एंड देन ये नोट आएगी कि हमने कुछ नहीं किया है विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट इन एसिसेट. ओके गाइस, सो आई होप यू ऑल हैव फॉलोड इट वेल. आई होप आपको आज का सेशन वैल्यू एडिशन लगा.
राइट फ्रॉम रिवाइजिंग पीजीबीपी टिल कैलकुलेशन ऑफ मैट वी हैव डन इन टूडेज वन सेशन एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट सेशन में और टैक्सेशन ऑफ कंपनीज के सम्स होंगे ओके, जिसमें आपको टोटल इनकम भी निकालना होगा, मतलब पीजीबीपी का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा, मैट का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा एंड यू विल पे नॉर्मल टैक्स और मैट विच एवर इज हाइयर, वैसे वाले सम्स भी आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो मजा ही मजा आने वाला है आपको, आई एम क्वाइट श्योर, एंड इस एंजॉयमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे ओके। रफली 30 to 35 आवर्स या 40 आवर्स तक इनकम टैक्स करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आउटकम तो अच्छे मार्क्स आने वाला है ओके। थैंक यू सो मच पूजा जी, आई होप यू हैव लाइक द सेशन एंड प्लीज फॉलो करते रहना ओके। मेरा मतलब दिल से इच्छा है, हम सब जो एमबीपीएल में फैकल्टीज है, हमारे दिल से इच्छा है कि यू नो यू डू वंडरफुली वेल इन योर एग्जाम्स एंड आप सबके नाम इस पोस्टर्स में आ जाए ओके, एंड आप लाइफ में बहुत आगे तरक्की करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलेंगे आईडीटी के लिए, देन अगेन परसों मिलेंगे डीटी के लिए, ये सिलसिला जारी रखते हैं। एमडब्ल्यूएफ आपका चलेगा डीटी एंड टीटीएस दैट इज ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे आपका चलेगा आईडीटी। सो इफ यू आर गिविंग बोथ तो प्लीज डू अटेंड फॉर बोथ एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल इन दिस सब्जेक्ट्स, बिल्कुल इन सब्जेक्ट्स का टेंशन नहीं लेना है। यस यस 100% ज्ञानेश्वर जी, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, कीप हैप्पी, बाय बाय।